अब भाई एलईडी लाइट्स तो दिए, चलो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सभी देते हैं, लेकिन बजाज ने यहाँ पर एक और अच्छा काम किया है कि है। अब मेरे ख्याल से ये ऐसी इकलौती पल्सर है जिसमें हमको ये वाला फीचर मिल रहा है, यहाँ तक कि RS 200 में भी ये वाला फीचर नहीं देते हैं बजाज वाले। भाई बाइक के वही क्लिप ऑन हैंडल बार्स, अब ये लुक वाइज आपको जरूर पहले जैसे लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर भी चेंजेस है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल, मैं हूँ करण बालियान। और अब भाई फाइनली NS 200 वापस से रोल में आ चुकी है। अब भाई बाइक तो ये पहले भी मिल ही रही थी शोरूम्स में, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम से इस बाइक को कोई ऐसा बड़ा अपडेट नहीं मिला था, जिस वजह से ये बाइक भाई सेगमेंट के साथ कम्पीट नहीं कर पा रही थी। इन टर्म्स ऑफ फीचर ये अपने सेगमेंट की सभी बाइक से पीछे ही रहती थी हमेशा से, लेकिन अब फाइनली इस बाइक को एक बड़ा अपडेट मिल चुका है। और इन टर्म्स ऑफ फीचर अब इस बाइक ने अपने सेगमेंट की ऑलमोस्ट सारी बाइक्स को पीछे छोड़ दिया है। तो आइए जल्दी से देखते हैं आज की इस वीडियो में कि इस बाइक को क्या क्या अपडेट्स मिले हैं। लेकिन उससे पहले भाई आप लोग जरा एक बार ये ग्राफ देखो, मतलब जो भी लोग वीडियो देखते हैं उसमें सिर्फ 0.01% लोग ऐसे जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। भाई 0.01 को कम से कम 1% तक तो ले जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो भाई सबसे पहले मैं आपको इस बाइक का प्राइस बता दूं, NS 200 की एक्स शोरूम प्राइस है 1,60,000। और अगर आप लोग और भी अच्छे प्राइस पर इस बाइक को खरीदना चाहते हो तो A to Z बजाज मुजफ्फरनगर की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, गो एंड कॉन्टैक्ट द शोरूम, यहाँ से आपको बजाज की हर मोटरसाइकिल बेस्ट प्राइस के साथ अवेलेबल करा दी जाएगी। और अब हम लोग अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाई सबसे पहली चीज, इस बाइक में इस बार कुछ फीचर्स ऐसे इंट्रोड्यूस कराए गए हैं जो कि बजाज की किसी मोटरसाइकिल में पहली बार मिल रहे हैं। तो हम एक एक करके उन सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो कि बाइक में नए एड ऑन हुए हैं। जो चीज़ें बाइक में पहले से मिल रही है उस बारे में बात करके मैं आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि नए फीचर्स इतने सारे एड ऑन किए गए हैं कि उनमें ही वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो भाई एज ऑलवेज हम लोग स्टार्ट करेंगे बाइक की फ्रंट प्रोफाइल से, और फ्रंट साइड में ही हमको एक इतना बड़ा चेंज दिख रहा है। इस बार बाइक में हमको फुल्ली LED हेडलाइट सेटअप मिलता है विद LED DRLs, हाई बीम लो बीम सब कुछ LED में है। और थ्रो भी काफ़ी बढ़िया है बाइक का, अभी तो भाई काफ़ी तेज़ धूप है मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैंने अंधेरे में इसका थ्रो देखा था, काफ़ी बढ़िया थ्रो है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब भाई LED लाइट्स तो दिए, चलो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सभी देते हैं, लेकिन बजाज ने यहाँ पर एक और अच्छा काम किया है कि हेडलाइट की जो शेप है ना ये पहले वाली रखी है, ये शेप भाई अलग ही लगती है। अगर बजाज चाहती तो कोई और शेप भी लगा सकती थी, लेकिन उसी ट्रायंगुलर सी शेप में इन लोगों ने हेडलाइट को इतने अच्छे से मैनेज किया है, गजब लग रही है। अब भाई एक और चीज़, बजाज की तरफ से इस बाइक में USD फॉक्स ऑफर किए जाते हैं। अब मेरे ख्याल से ये ऐसी इकलौती पल्सर है जिसमें हमको ये वाला फीचर मिल रहा है, यहाँ तक कि RS 200 में भी ये वाला फीचर नहीं देते हैं बजाज वाले। और भाई ब्रेक्स की बात करें तो बाइक में हमको ट्विन डिस्क विद डुअल चैनल ABS ऑफर किया जा रहा है। फ्रंट साइड में 300mm की बड़ी सी डिस्क है और रियर साइड में 230mm की डिस्क है। और अब हम बात करते हैं बाइक के इंजन की, तो भाई इंजन में कोई चेंज नहीं है, वही पहले वाला इंजन है, 199.5cc ट्रिपल स्पार्क 4V लिक्विड कूल इंजन विद फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी। और भाई पावर की बात करें तो यहाँ पर हमको 24.5 PS की पावर और अराउंड 18.5 Nm का मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। अब भाई NS का सभी को पता है कि बहुत पावरफुल बाइक है, एकदम मैड मशीन है ये बाइक, अच्छी खासी पावर यहाँ पे हमको मिल जाती है। और अब हम बात करते हैं बाइक के एक और सबसे बड़े अपडेट की, इस बार बाइक में हमको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया गया है। अब यहाँ पे फीचर्स तो इतने सारे दे दिए हैं ना बजाज ने, मतलब जो नॉर्मल फीचर्स होते हैं ये गियर शिफ्ट इंडिकेटर, टाइम, फ्यूल इकोनॉमी, ये सब तो है ही, साथ में और भी कई सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स है जैसे कि टर्न बाय टर्न नेविगेशन। अब पता नहीं है कितना एक्यूरेट है, लेकिन बजाज ने दिया है तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक और चीज़ यहाँ पे जो नहीं मिलती है वो है भाई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। बजाज जी किसी बाइक में पहली बार ये फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है, इसको कंट्रोल करने के लिए बटन यहाँ पर है। और एक और चीज़ है भाई, इस बाइक में इस बार हमको एक USB टाइप ए का पोर्ट भी दिया जा रहा है, लेकिन ये जो दिया है ना उन्होंने ढक्कन सा, इसकी क्वालिटी मेरे को कुछ खास नहीं लग रही, वैसा ही लग रहा है जैसे कहीं से आफ्टर मार्केट ऐसे ही लगवा लिया हो। खैर चलो दिया तो है कम से कम। और ये भाई बाइक के वही क्लिप ऑन हैंडल बार्स, अब ये लुक वाइज आपको जरूर पहले जैसे लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर भी चेंजेस है। अब सबसे पहला चेंज तो ये वाला बटन, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि किस लिए है। और अब एक और बटन इस बाइक में वापस से लौट कर आ चुका है जो कि बीच में गायब हो गया था, वो है ये वाला भाई हेडलाइट को ऑन ऑफ करने के लिए, बीच में ये वाला बटन इन लोगों ने गायब कर दिया था। लेकिन अब जब भाई बाइक में फुल्ली LED हेडलाइट सेटअप दिया गया है तो हेडलाइट को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन भी इन लोगों ने हमको दे दिया है। और भाई लुक वाइज आप लोग देख लो बाइक कैसी लग रही है, मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगती है, बाकी आप लोगों को कैसी लगती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और भाई यहाँ पे हमको मिल रहा है रेडिएटर, नीचे की साइड में ये इंजन काउल सा भी है जो कि किसी काम का नहीं है। और भाई जो ये वाली फील है ना ये एक अलग ही सेटिस्फेक्शन देती है। खैर चलो हम लोग इसको उतारते नहीं है क्योंकि ये वाला मौका तो भाई बाइक के ओनर को ही मिलना चाहिए जो करीब 2 लाख खर्च करके इस बाइक को लेगा, वही भाई इस फील का असली हकदार है। और अब भाई मैं आपको एज आ ओनर इस बाइक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। पिछले 1.5 साल से हम लोगों ने भी NS रखी हुई है और इस बाइक की जो सीटिंग है ना वो भाई राइडर के लिए तो काफ़ी बढ़िया है। अभी सीट की कुशनिंग भी अच्छी है, सीटिंग पोस्चर है राइडर का वो भी अच्छा है, अच्छा खासा कंफर्ट मिलता है। लेकिन जो पिलियन वाली सीट है
यहाँ पे तो भाई बिल्कुल ही एकदम सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। एक तो सीट कुछ इतनी ख़राब है, इसके मुकाबले ना ये वाली सीट भाई बहुत ज़्यादा हार्ड है। और इससे बैठने की जो पोजीशन रहती है पिलियन की, वो भी कुछ ऐसी रहती है कि अगर रेस सी दो पीछे को गिरी जाएगा, और लेडीज़ को तो भूल ही जाओ, बैठा ही नहीं सकते। जेंट्स भी भाई तीन लोग नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि जो ये वाला पार्ट है ना, ये आपको कहाँ कहाँ दर्द देगा मैं आपको बता भी नहीं सकता। और भाई यहाँ पर ये साइड गार्ड, फुट रेस्ट एंड ऑल सब कुछ जैसा पहले था बिल्कुल वैसा ही है। अब हम चलते हैं बाइक की रियर साइड की तरफ, तो यहाँ पर वही एलईडी टेल लैंप्स जो कि हमको पहले मिलते थे बिल्कुल सेम वैसे ही है। अब यहाँ पर जो एक्सचेंज है वो है बाइक की टेल टाइडी में। टेल टाइडी तो पहले भी यही वाली थी, लेकिन ऊपर से जो प्लास्टिक का कवर इन लोगों ने ऐड किया है, ये एक अच्छा काम कर दिया है। पहले तो बस यही लोहे का था, यहाँ पे एक पत्ती ही थी। अब दूसरा जो चेंज है वो है भाई टर्न सिग्नल्स का। इस बार हमको एलईडी टर्न सिग्नल्स मिल रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल तो नहीं है, लेकिन कम से कम एलईडी में तो इन लोगों ने दे ही दिए। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो कि शायद आप लोगों को ना पता हो। यहाँ पर रियर टायर के ऊपर जो ये मैग्नेट्स इन लोगों ने चिपका रखी है, अब ये चीज़ हम लोग जनरली कार्स में देखते हैं, वहाँ पर अलाइनमेंट के टाइम पर वेट बैलेंसिंग के लिए ये वाली मैग्नेट्स यूज़ की जाती है। वही सेम चीज़ भाई यहाँ पे, अब इसको देख के आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि ये पता नहीं क्या सेंसर लगा दिया है, कोई सेंसर वेंसर नहीं है भाई, एक मैग्नेट सी होती है जो कि बैलेंसिंग के लिए यूज़ की जाती है। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन जो एक शिकायत रहती है NS200 और RS200 से ऑलमोस्ट सभी लोगों की, ये लोग ना इन दोनों ही बाइक्स में भाई वो छोटा टायर साइज देते हैं। अब यहाँ पर भी इन लोगों ने 130 सेक्शन का रियर टायर दे रखा है, यही सेम साइज़ का टायर ये लोग NS160 में दे रहे हैं, और यही सेम साइज़ का NS200 और RS200 में। अब ये वाली इतनी बड़ी बाइक से इनमें कम से कम 140 या 150 सेक्शन का टायर तो इन लोगों को देना ही चाहिए। और गाइस बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है, वही अंडरबेली एग्जॉस्ट, वही मोनोसोक सस्पेंशन विद नाइट्रोक्स। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द डे, यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखी था ऑल न्यू पल्सर NS200। अगर कंटेंट थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।